मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले प्रथम राष्ट्र लेना। अगर कोई और लीडर अच्छा काम करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का दिल के साथ ऐसे करता है, अपने मातृभूमि की सेवाओं को प्रथम रखता है, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और सेना को खुली छूट देता है, भारत माता की तरफ आंच नहीं आनी चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री से, सरकार से पूछेगा नहीं, थार थार थूकनी है, एक आएगी सो ठोकनी है, तो हम उसके साथ हैं। अगर ये कोई कहता है हमारे जवानों को शहीद कर दो, अगले दिन छुला करनी है, तो हम उसके साथ नहीं है भाई। हमारे बचपन के सपने पूरे हो रहे हैं, हमारे बचपन के सपने थे। क्या कभी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो आतंकवादियों को करारा जवाब देगा? वो आया है, इसमें कोई शक नहीं। नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका के नहीं है, हिंदुस्तान के हैं, बीजेपी के हैं, तो हम क्या करें? पर हमारे राष्ट्र को वो प्रथम मानते हैं। अगर मैं नहीं उनके साथ चलूंगा, उनके बारे में नहीं कहूंगा, तो मैं राष्ट्र के साथ, उन जवानों के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ बहुत बड़ा धोखा करूंगा। आज नए नए लोग उठते, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ओबीसी एबीसी कोई है, ओबीसी एबीसी कोई, इधर हैदराबाद का नाम नहीं मुझे पता, ओबीसी एबीसी कहते हैं उसको, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। एक उसका भाई था अकबरुद्दीन, वो कहता है कि अगर 2 घंटे के लिए पुलिस फौज को खत्म कर दो, हम गुजरात के पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को मार देंगे। अरे गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज के इतिहास को भूल गया है क्या? उनके बच्चों के इतिहास को भूल गया है क्या? औरंगजेब बनने की कोशिश मत कर, अकबर बनने की कोशिश कर, हमारे गुरुओं के इतिहास को जरा देख ले। 1,25,000 में एक लड़ाऊं, फिर गुरु गोविंद सिंह नाम कराऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, फिर गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। तेरी इतनी हिम्मत कि हमें इतना कमजोर समझते हो आप? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से सजा है ये तेरा भारत, ये खून से सजा है भारत। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और चैनल फटाफट बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, हम वंदे मातरम नहीं बोलोगे। अरे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपने राष्ट्र को प्यार करता है, को वंदे मातरम का आश्रम बनाता है, को वर्मा जी का आश्रम बनाता है, 100-100 एकड़ जमीन दी जाती है, उसको तो कभी आपने नहीं दिखाया टीवी के अंदर, किसी चैनल में मैंने नहीं देखा। 200 करोड़ रुपया मुरारी बाबू जी के प्रवचनों के अंदर शहीदों के लिए दिया जाता है, 1,400,000 रुपया एक चैनल उसको दिया जाता है, जरा हमें दिखा देना। इसलिए मत दिखाना हम दे रहे हैं, हमको देख के लोग और जागे। और उस चैनल को 1,400,000 दिया जाता है जो रोज टीवी के अंदर कहता है वंदे मातरम, भारत माता की जय, मेरी वस्तुएं खरीदो, मेरा घी खरीदो, उसको 1,400,000 देते हैं। वाह भाई, ये कैसे देश है? पर मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, उसको 2-2 महीने ये दिखाएंगे चैनल वाले, ये मीडिया 2-2 महीने दिखाएगा। शहीद हो जाएगा, उसके परिवार की हालत क्या होगी? ये वंदे मातरम का आश्रम, ये वर्मा जी का आश्रम, जिनकी अस्थियां नरेंद्र मोदी लेके आए थे, उनको कोई नहीं दिखाएगा। तो बड़ी कमियां हैं हिंदुस्तान के अंदर जिसको ठीक करनी है, वो ऐसे नहीं ठीक होंगी। हमें सबको जागना है, हमें सबको मौत का कफन पहनना है, हमें उन लोगों के मुकाबला करना है जो जेएनयू की गंदगी लेकर के यहां पे आके एमएलए का चुनाव जीता है। ऐसे लोगों को यहां घुसने नहीं देना है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। गुजरात की धरती जिस दिन कमजोर हो गई, याद रखना, भगवान की कसम रात का वक्त है, जिस दिन गुजरात की धरती कमजोर हो गई, पूरा राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। मैं पूरा देश घूमता हूं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, शहीदों के नाम के ऊपर बड़ी राजनीति होती है, बड़े दिखावे होते हैं, बड़ा फैशन होता है, पर गुजरात एक धरती ऐसी है जहां फैशन नहीं होता है, जो किया जाता है वो दिल से किया जाता है। और मैं यहां से हमेशा प्रेरणा लेके जाता हूं,
तो मैं आखिर में आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे वादा करके जाता हूं कि जब बची हुई जिंदगी बोनस की राष्ट्र के लिए मातृभूमि के चरणों में हमेशा बची हुई बोनस की जिंदगी अपना जीवन देने के लिए तैयार रहेगी। और फिर वादा करके जाता हूं, हे भारत मां, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं, ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। और ये बंदे मातरम वालों को बोलना चाहता हूं जो कहते हम नहीं बोलेंगे, मन में बंदे मातरम, तन में बंदे मातरम, चलते हुए खून में बंदे मातरम, खंजरे कातल कभी भी हमें खत्म कर देना, हमें चीख भी निकलेगी निकलेगी बंदे मातरम। एक हाथ की लकीरें पढ़ने वाले ने मेरी खुशियों से झोली भर दी, उसने कहा तुम्हें मौत नहीं बंदे मातरम की चाह मारेगी। ये उनको कहना चाहता हूं जो कहते हम बंदे मातरम नहीं बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बंदे मातरम, जय हिंद।